अभी हमारे तमाम रिपोर्टर्स दिल्ली की सड़कों पे उतरे, जगह जगह वार्ड में गए, तो वहाँ पर जाकर हमने देखा कि कई जगह दिल्ली में अभी भी ऐसी है जहाँ पर सफाई बहुत कम है। आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी एक निगम पार्षद हैं, निगम में और बीजेपी की सरकार है, तो किसकी गलती है, आम आदमी पार्टी की गलती है या बीजेपी की गलती है, लेकिन तीसरा बीच में दिल्ली वाला है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरे यहाँ पे मैं 94 वार्ड सुशीला मदन खोरवाल निगम पार्षद बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्रवासी, मेरे देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। रुपया खाया है, किसने खाया, कैसे खाया, कुछ नहीं, पर नाम पे स्वच्छ भारत, गंदगी वहाँ की वहीं है। जब कर्मचारियों को कुछ मिलेगा नहीं, ढलाव कूड़ा डालने तक ले जाने के लिए भी तो गाड़ी चाहिए। थैंक यू मैम। स्वच्छ भारत के नाम पे करोड़ों रुपयों का गफलाव है। वो कहते थे ना भ्रष्टाचार खत्म करेंगे दोनों पार्टी, मैं कहती हूँ कि भ्रष्टाचार जितना इन सालों में हुआ है ना, 6 सालों में, उतना शायद मेरे को लगता नहीं कि दिल्ली आजाद हुए 70 साल में अगर हुआ हो तो ये 6 साल ही गिनती में आएंगे। आज कहीं पे भी देख लो, वो कहते भ्रष्टाचार, मेरे यहाँ पे ढलाव, मेरे 4 ढलाव हैं, 4 ढलाव ऐसी स्थिति में हैं कि जब मर्जी गिर सकते हैं। 1 साल तो मैंने ढलाव स्वच्छ भारत, 1 साल तो पहले ढलाव तोड़वाने के लिए मैं लगी रही कि इसे तोड़ दो, कोई घटना घट सकती है, कोई घटना घट सकते हैं। 1 साल वो टूट गया, टूटा तो उसे बनवाने के लिए 1 साल में जंग लड़ती रही। आज वो बना भी है ना, तो मैं क्या बताऊँ, मैंने बनवाया है, मुझे पता है मैंने कैसे बनवाया है। सिविक सेंटर के 1 साल तक मैं घिसड़ती रही अपनी चप्पलें, क्या हाल है वहाँ पे। आज ठेकेदार को 6 साल बाद पेमेंट मिलती है, कौन ठेकेदार जी ये ठेका लेगा। मेरा 3 बार पैसा आया 25-25 लाख, 3 बार मेरा वापस गया। क्यों गया? क्योंकि कोई ठेकेदार लेने को लिए तैयार नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ने, मेरी जनता ने मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर और मुझे यहाँ पे लेके आई इस पे कि हमारी आवाज़ उठाएगी। पर मैं कांग्रेस पार्टी से एक इकलौती हूँ जो जोन के अंदर हूँ, करोलबाग जोन में। 12 मेरे यहाँ पे बीजेपी के हैं, एक अकेली हूँ। हो सकता है कि वो इसलिए मेरा काम नहीं करना चाहते होंगे, परंतु मैं भी पब्लिक से जीत के आई हूँ। ठेकेदार को जब पेमेंट नहीं मिलेगी तो ठेका कहाँ से लेगा। स्वच्छ भारत के नाम पे करोड़ों रुपया वो हुआ है, डस्टबिन की छोटे वो बाल्टियाँ बांटी, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, अरे जब रेडी नहीं होगी तो एक रेडी 4 गलियों में, एक 4 कर्मचारियों के पास एक रेडी है, वो गीला सूखा डालेगा कहाँ से, उनके पास रेडियाँ नहीं है। मुझे 1 साल से कहते हो गया रेडी दे दो, रेडी दे दो। आज मेरे को फ़ोन आया है, जी आपके वार्ड में 1 रेडी आई है। अब वो 1 रेडी के लिए मैं पहले तो पर्चियाँ बनाऊंगी कि किसी के नाम का भाई वो निकलता है, वो 1 रेडी मैं किस कर्मचारी को दूंगी। ये बना के रहेंगे कैसे, बनाएंगे ये गंदगी से? ऐसे है जी गंदगी, वो कहते ना पेरिस लंदन, पहले जब ये आए थे ना तब इन्होंने कहा था बिजली पानी फ्री। कौन सा आज बिजली पानी फ्री है? बिजली के बिल, जब कोरोना महामारी के अंदर दुकानें बंद थी तब दुकानें होटल जब खुले ना, तो खुलते ही उनके हाथों में इतने मोटे मोटे बिल थे, तो वो कहाँ से फ्री दिया। पानी, जब पानी फ्री है तो घरों में मीटर आए दिन क्यों मीटर चेंज कर जाते हैं, जब फ्री पानी है तो मीटर किस लिए। तो वो है कि बिजली पानी के नाम पे जैसे आए वैसे ही वो कह रहे हैं लंदन को पेरिस बनाएंगे, ये दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, लंदन पेरिस, वो कह रहे हैं दिल्ली को बनाएंगे। मेरे को ये बताए, दिल्ली पेरिस लंदन जब बनेगी, जब शीला जी थी उन्होंने रोडों पे पौधे लगाए, उन्होंने पुल बनवाए, उन्होंने मेट्रो ले गए। ये लोगों ने जो आज एक पुल बनाया, वो जो केजरीवाल जी कहते हैं ना कि मैंने 100 करोड़ रुपया बचा दिया, मैंने इतना करोड़ बचा दिया, अरे करोड़ बचाया कहाँ, कि तुमने नया बनाया कहाँ, वो तो पहले बजट में था।
सुशीला जी बात करें, अगर कांग्रेस पार्टी की निगम के अंदर 15 साल से अगर निगम में रहती पार्टी तो क्या क्या कार्य हो सकते थे? ऐसे जी, दिल्ली में अगर कांग्रेस होती ना तो सबसे पहले तो मेरे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं रुकती। हमेशा कांग्रेस पार्टी वो रही है गरीबों की पार्टी, उसने पहले गरीबों का दुख दर्द समझा है। कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने बुजुर्गों की पेंशन ले रही थी, कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने लाडली की पेंशन लाई, कांग्रेस पार्टी ही वो थी जो रोजगार के लिए लड़ती थी और रोजगार का वो उसने निकाला था। किसानों का देख लीजिए, चाहे आप पढ़े लिखों का देख लीजिए, आज आप शिक्षा पे देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, कांग्रेस एक थी जो कि सबका वो करती थी। स्कूल, अगर एक नया स्कूल मेरे यहाँ पे देवनगर वार्ड में 3 कमरों में स्कूल चल रहा है, ये दिल्ली करोल बाग क्षेत्र का हाल है, तो बाहर के उधर का मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मोदी जी की बात करें तो एयरपोर्ट बिक चुका है, रेलवे बिक चुकी है, LIC बिकने की लाइन में लगे हुए हैं, तो सफाई कहाँ नहीं है? सफाई तो बहुत है जी देश में, इतनी सफाई जो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, अरे जो बनाया वही तो बेच रहे हो आज। अब बनाया क्या वो तुम बताओ, हमने जो बनाया वो बेच तुम रहे हो, तो ये सफाई हो रही है देश में? सफाई। और दूसरा मैं ये कहूँगी, मेरे जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। एनसीडी सफाई कर्मचारी की बात कर रहे हैं, एनसीडी गए, एक हमारा यही एनसीडी निगम का सफाई कर्मचारी, जो कि सफाई कर्मचारी अपने कोरोना महामारी के अंदर भी वह ड्यूटी पे आया है, चाहे उसे पीपी किट मिली या नहीं मिली, परंतु वह अपनी ड्यूटी पे आया जी। आज उसे 6-6 महीने हो गए, उसको तनख्वाह नहीं मिली। तो क्या सफाई कर्मचारी यानी काम नहीं कर रहे, ऐसे दिल्ली गंदी है? ऐसे है, कर्मचारी सफाई कर रहे हैं चाहे उसे तनख्वाह मिली या नहीं मिल रही, परंतु जो भूखा पेट जो काम होता है, एक होता है जब टाइम से सैलरी मिल जाती है तो उसमें उत्साह होता है, उसके भी बीवी बच्चे कहते हैं पापा चलो जाओ ड्यूटी पे जाना है आपको, आज जब वो पापा उठ के कहते हैं मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तो बीवी बच्चे ये कहते हैं ड्यूटी पे जा रहे हो, तनख्वाह तो मिली नहीं 6 महीने से, वो भूखे प्यासे है। वो आदमी जब तनख्वाह नहीं मिलती तो इधर उधर और तो कहीं काम करने की सोचता, बच्चों को जब बच्चे पैदा हुए हैं उनको पेट भरने के लिए वो कुछ तो करेगा, क्योंकि जब हमारे मोदी जी के पास तो बच्चे हैं नहीं, परिवार है नहीं, वो क्या जाने इस परिवार का दर्द, जिसके पास परिवार होता है उसे दर्द होता है। तो अब इसमें आप किसकी गलती? वो दोनों अपने पब्लिक को नौटंकी दिखा के और अपना राज कर रहे हैं, क्यों कि आज अगर उसको वो कहते हैं मेरे को इससे पैसे लेने, वो कहते उससे लेने हैं, अगर लेने हैं तो वो जाके अपना हिसाब किताब बताए करें इकट्ठा, पहले भी तो दिल्ली चल रही थी, आज तो दिल्ली के लोगों पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, अगर दिल्ली टैक्स ना दे रही हो तो ये कहें कि जी इनकम नहीं है तो हम कहाँ से तनख्वाह दें, टैक्स तो इतने बढ़ गए, पहले 1% चार्ज था, वो ये कहते थे कि 7 साल में देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें कर्जन चार्ज नहीं देना पड़ा, आज पहले था कि रोड की दुकानों से कर्ज उचार लिया जाएगा, आज गली की छोटी छोटी दुकानों से भी कर्ज उचार लिया जाए, वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? पहले एक टैक्स होता था हाउस टैक्स में ही सफाई का कर जाता था, आज दुकानों से 500-500 रुपये सफाई के नाम से वो भी लिया जा रहा है, टैक्स भी लिया जा रहा है, कर्ज चार्ज भी लिया जा रहा है, तो जो ये पैसा है ये जा कहाँ रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? एक दूसरे पर ना डालो थोप कर बेचारे पिस कौन रहे? पब्लिक और सफाई कर्मचारी। आज जो सफाई कर्मचारी है उसे जो सर्दी की वर्दी जर्सी वगैरह ग्लव्स वगैरह मिले वो नहीं है, उसके पास रेड ही नहीं है कूड़ा उठाने के लिए, उसके पास झाड़ू नहीं है, तो क्या बेचारा सफाई करेगा? परंतु मेरा सफाई कर्मचारी फिर भी वो ड्यूटी पे आ रहा है, जबकि उसे कच्चा है तो उसे पक्का नहीं किया गया, और क्या पूछोगे भाई साहब मेरे से? मैडम आपने सदन में क्या ये सारी बातें उठाई? अभी सदन का सत्र भी चले थे। ऐसे जी सदन भी जब चलते हैं ना वहाँ पे भी नौटंकी होती है, वो उसको हाय हाय कर लेते हैं, वो उसको बोले हम जैसे निगम पार्षद जो पब्लिक की आवाज उठाने के लिए जो हमें पब्लिक ने अपना बहुमूल्य वोट दे के और हमें आवाज उठाने के लिए जो सदन में भेजे है ना, वो सदन हाउस भी चलता नहीं है, बस वो अपने और तो क्या कहोगे, इसी बार सदन के अंदर जो गैलरी में जो परिवार के लोग बैठते हैं वहां से
आप पार्टी वालों ने पोस्टरबाजी कर रहे हैं, वो फेंक रहे हैं, हाय हाय कर रहा, वो उसको हाय हाय कर देता है, वो उसको हाय हाय कर देता है, 3-4 घंटे खत्म, कुछ नहीं होता, कोई पब्लिक की आवाज़ हम आगे नहीं उठा सकते। दूसरी बात हमारे यहाँ पे क्या है कि एक सफाई कर्मचारी की 2007 से उनकी सैलरी से 2000 रुपये करते थे, 1100-1200 रुपये करता था पहले, वो 1100-1200 रुपये करता था पीएफ का नाम पे। वो पीएफ को ऐसा पैसा था कि अगर कभी सफाई कर्मचारी को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है अपने दुख बीमारी में या उसके बाद में, वो पैसा वो निकाल के वो काम ले सकता था। आज जब उनको सैलरी नहीं मिलती, जो रिटायर हो गए उनको पेंशन नहीं मिली, और पीएफ का पैसा ऐसा है कि आज उनसे 2000 रुपये काटा जा रहा है, 500 रुपये 12000 उनकी सैलरी है जो कच्चे हैं, अब उसका 2000 रुपये वहाँ पे कट जाते हैं, बाकी क्या बचता है 10000। 10000 में वो अपना परिवार चलाएगा, और वो 10000 भी नहीं मिला, और वो 2000 जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है उसका कोई हिसाब ही नहीं, पता ही नहीं है वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो मैडम अब सीधी हो रखी है इतनी, और आज नया साल भी है, ऐसा है जी, दिल्ली जो गंदी हो रही है, ये दोनों जो सरकार आई है ना, दोनों ही सेंटर वाली भी और केंद्र की भी, दोनों ही चाचा भतीजा की सरकार चल रही है, पब्लिक पिस रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, दोनों के पीछे ही दिल्ली का ये बुरा हाल है। भूखा मरता हुआ आदमी क्या करेगा, पहले कहा था पार्किंग बनाएंगे, ये कर्जन जो चार्ज लेंगे ये पैसा हम पार्किंग के लिए करेंगे, आज कौन सी नई पार्किंग बनी है, कौन सा नया पुल बना है, कौन सा ये एक रोड को ही साल में 2 साल दिल्ली सरकार बना रही है, परंतु उस पे जो मटेरियल डल रहा है वो कभी टेस्ट करो है, वो मटेरियल ऐसा है कि वो 2 महीने बाद ही वो सड़क बन जाती है, क्यों नहीं ये पैसा अपने विधायकों को दे रहा है, निगम को क्यों नहीं दे रहा, निगम को अगर पैसा दे दिया जाए तो वो उसके सफाई कर्मचारियों की अफसरों की सभी की सैलरी मिल जाए और वो खुश खुश काम करें। मेरा सफाई कर्मचारी आज भी काम पे आ रहा है, काम कर रहा है, चाहे उसको कुछ मिला या ना मिला, मैं इसी पे अपना बताना चाहती हूँ। क्या लगता है आपको कि जिस तरह 15 साल बीजेपी ने निगम पे राज किया है, एक स्कूल नया नहीं बना पाया निगम, ना किसी तरह का नया अस्पताल बना पाया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं बना पाया? ऐसे है जी, ये दोनों सरकार है ना, दोनों सरकार ऐसे बैठी है कि काम तो करना नहीं है, पोस्टर बैनर एड के ऊपर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा पोस्टर बैनर बोर्ड लगा रहे हैं, वो उससे ज्यादा लगा रहे हैं, विकास के नाम पे 0 दोनों पार्टी, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। पहले थी शीला जी की सरकार, शीला जी की सरकार में निगम का आज तक किसी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं रुकी थी, कभी पेंशन नहीं रुकी थी, आज बुजुर्ग मेरा जो है वो भी रो रहा है पेंशन नहीं मिल रही, जवान है उसको रोजगार नहीं मिल रहा, महिला है वो अपनी सुरक्षा के लिए रो रहा है, कुछ भी नहीं है, ये चाचा भतीजा अपनी ही कुर्सी के चक्कर में और जनता को पीस रहे हैं और विकास का नाम 0 हो रहा है। मैडम अगर एक बात करें केजरीवाल